नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पाल। शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब शिक्षकों को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करने पर उतर आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ अपनी धार्मिकता के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। पार्टी में अमित शाह के बाद अगर कोई नाम आता है तो वह है सीएम योगी। खैर, ये बात तो अलग है, अब आते हैं खबर की ओर। बीते मंगलवार को बसंत पंचमी और महाराजा सुहेलदेव की जयंती थी। महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर बहराइच के चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव भूमि पूजन व शिलान्यास हेतु स्मारक स्थल पर दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 1,00,000 दिए जलाए गए। सवाल ये नहीं कि दिए क्यों जलाए गए, सवाल ये है कि दिया जलाने का काम किसको दिया गया। ये दिए जलाने का काम जिले के शिक्षकों को दिया गया था। हमारे चैनल को एक नोट प्राप्त हुआ है जो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच द्वारा जारी किया गया है। नोट में कार्यालय आदेश में लिखा हुआ है कि महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव स्थल पर चित्तौरा में सायकालीन कार्यक्रमों दीपोत्सव को सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु ब्लॉक ए से जी तक ब्लॉकों में खंड शिक्षा अधिकारियों को नोडल शिक्षा अधिकारियों नामित करते हुए दायित्व निर्धारित किया गया है। उक्त के क्रम में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र के लगाए गए अध्यापकों के साथ 16 फरवरी दोपहर 1:30 बजे निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर दीपोत्सव की प्रारंभिक तैयारियाँ सुनिश्चित कराएंगे। कार्यक्रम स्थल पर समस्त ब्लॉकों में दीप एक साथ सायकाल 6 बजे प्रज्वलित किए जाएंगे। इस नोट में बाकायदे बहराइच के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की मोहर भी लगी है। इसके अलावा एक और नोट है जो कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी मिहिपुरवा जनपद बहराइच से निकाली गई है। इसके कार्यालय आदेश में लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह 16 फरवरी के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल मिहिपुरवा बहराइच में सायकालीन कार्यक्रमों दीपोत्सव को सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु निम्नलिखित शिक्षक शिक्षिकाएं की ड्यूटी कार्यक्रम लगाई जाती है। इसमें नीचे शिक्षक और शिक्षिकाओं के नाम, पद, विकास खंड और मोबाइल नंबर समेत टीम लीडर का भी मोबाइल नंबर लिखा है। आखिरी में नोट में लिखा हुआ है उपरोक्त शिक्षक शिक्षिकाएं दिनांक 15 एवं 16 कार्यक्रम स्थल प्राथमिक विद्यालय सुहेल नगर विकास खंड चित्तौरा बहराइच के प्रांगण में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। 15 फरवरी को प्रातः 9 बजे अपनी उपस्थिति टीम लीडर को सुनिश्चित कराएं। सरकारी स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को गैर शिक्षण कार्यों में लगाना परंपरा रही है, लेकिन ये गैर शिक्षण कार्य भी जनहित में होते हैं, जैसे पोलियो ड्राप, जनगणना। लेकिन योगी सरकार में शिक्षक शिक्षिकाओं का चुनावी राजनीति में भी इस्तेमाल होने लगा है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही शिक्षा को लेकर हर रोज नई योजनाएं लेकर आती रहे, लेकिन जब वह शिक्षा देने वाले शिक्षक को ही गैर शिक्षण कार्यों में लगा देगी तो क्या उनकी योजना सफल होगी? अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।